मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज राजेश बादल जी, जो कि हम लोगों के लिए बड़े भाई की तरह हैं, मार्गदर्शक की तरह हैं, उनका मैं आज इस सभागार में SGT यूनिवर्सिटी के स्वागत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है ही, लेकिन आप सबके लिए भी बहुत बेशकीमती लम्हे हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आपके बीच में राजेश बादल जी जैसी शख्सियत मौजूद है। इतना लंबा तजुर्बा, इतना सारा काम, 40 साल, आप सोचिए, अभी आप करियर शुरू करने जा रहे हैं और किसी शख्स ने उस प्रोफेशन में जो आपने चुना है अपने भविष्य के लिए, उसमें 40 साल गुजारे हों, और गुजारे नहीं हों, उनको जिया हो, और बहुत ही उम्दा काम किया हो, बहुत अच्छे संपादकों के साथ काम किया, अपने जमाने के नामी गरामी संपादक राजेंद्र माथुर, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनके साथ काम किया, और हर मीडियम में काम किया, मतलब प्रिंट मीडिया में, नवभारत टाइम्स में लंबे अरसे तक रहे, रविवार से जुड़ाव रहा, एक समय रविवार बहुत क्रांतिकारी पत्रिका समझी जाती थी, और उसमें लिखना और छपना किसी भी पत्रकार के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होती थी। उसके बाद नवभारत टाइम्स, उसके भी पहले नई दुनिया, और फिर लंबे समय तक प्रिंट में रहने के बाद टेलीविजन में परख जैसी मैगजीन, जो उस जमाने के लिए, बल्कि आज के लिए भी मील का पत्थर कही जा सकती है, उसमें जिन्हों उस पूरी टीम के जो भी हिस्सेदार रहे हैं, वो आज कहीं कहीं बड़ी जगहों पर काम कर रहे हैं। बहुत शानदार काम किया उन 3-4 सालों में हम लोगों ने, मैं भी उस टीम का हिस्सा था, और फिर आज तक 20 मिनट की बुलेटिन से पूरे न्यूज़ चैनल के पहुंचने का सफ़र, और फिर उसका एक छत्र नंबर 1 वर्षों बरस वो रहा, और वहाँ राजेश बादल जी बहुत ही सीनियर पद पर रहे, और मतलब विविध प्रकार के काम, अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग, मसलन एक मेघदूत प्रोग्राम था जिसमें बादलों के साथ आपको पूरे देश की यात्रा करनी थी कि कैसे मानसून के बादल आते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, फिर कहाँ पहुँचते हैं, फिर क्या होता है, और उसके साथ साथ प्रकृति के साथ साथ आसपास का समाज कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वो सब पिरोते हुए ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब एंकरिंग भी की, प्रोग्राम प्रोड्यूस किया, और अभी 3-4 साल से तो जो बायोग्राफीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो राज्यसभा TV पर, उतना लंबी सीरीज किसी ने नहीं बनाई। उस तरह के व्यक्तित्वों पर
पर्सनालिटीज़ पर किसी ने सीरीज़ नहीं बनाई। अब सोचिए इतने तरह के काम करने के बाद कितना सारा अनुभव होगा किसी पत्रकार के पास। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप खुद महसूस करेंगे जब वो आपको बायोग्राफिकल फिल्मों के प्रोडक्शन की बारीकियों के बारे में बताएंगे। अभी मुकेश जी ने और मैडम ने बताया 40 साल पता नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही सफ़र शुरू किया था और 40 साल कैसे गुजर गए। प्रिंट में, रेडियो में, टेलीविज़न में, और ऐसे काम करने का अवसर मिला कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कभी इसमें कभी कोई जॉब की तरह इसको काम किया हो। और मेरी नज़र में आज 40 साल के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये वास्तव में जीवन शैली है। तो आप लोग जिस आज की तारीख में अगर कहूँ तो प्रोफेशन है, तो जिस प्रोफेशन में आप लोग आ रहे हैं वो मेरे लिए तो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये बहुत ही भरोसे से कह सकता हूँ कि अभी 40 साल और आप देखेंगे कि मैं काम करूँगा, तो मतलब 80 साल तो मैं काम करूँगा पक्का। तो लेकिन आप लोगों से आग्रह यही है कि इसको, इस फील्ड को कभी भी इसको रोज़गार का ज़रिया ना माने। शुरुआत में अपनी बात की यहाँ से करूँगा, ये सचमुच में ये आमदनी का ज़रिया नहीं है, रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं है। आज जो हमारी जो व्यवस्था है, सिस्टम है मीडिया का, उसमें ज़रूर आपको लगता है कि हाँ भाई पैकेज ज़रूरी होता है, डेजिग्नेशन होता है, सुविधाएं होती हैं, चैनल है, रेडियो है। लेकिन अगर एक दफ़े आप देखेंगे कि अगर आपने इस काम में आनंद लेना शुरू किया, मज़ा लेना शुरू किया, तो ये ऐसा एक झरना है, ऐसा आनंद का झरना आपके अंदर से फूटता है कि जिसका आप सुख बयान नहीं कर सकते। और मैंने वो सुख चूंकि लिया है और अभी भी ले रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार आप, हम लोग अपनी इस मीडिया इंडस्ट्री में साधनों की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपका रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो आज जो हमारा विषय है बायोग्राफिकल, यानी जीवन वृत्त, किसी किरदार के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र या फिल्म या डॉक्यूड्रामा, जिस तरह के जो आप लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट्स, उन पे बनाने में आने वाली चुनौतियों का, हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्मों का सफ़र किस तरह से कैसे था और कैसे वो पर्दे पर निकल के आई, बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर। असल में पर्दे पर फिल्म कहना एक कला है, फिल्म की बात करना एक कला है। और फिल्म के हम लोग आपस में जब बात करते हैं, मैं आप लोगों को आपके बचपन में ले जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने बचपन में अपनी दादी और नानी के साथ संवाद किया है, या कितने लोग बचपन में आप उनके साथ सोए हैं, दादी और नानी के साथ आपकी नींद जब आप, तो कभी कभी वो रात को सोते समय आपको कहानियां सुनाती रही होंगी। माँ भी सुनाती हैं, लेकिन माँ से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को या हम लोगों को अभी तक याद है वो अपनी दादी की, अपनी नानी की, अपनी बुआ की, अपनी मौसी की। तो अगर आप लोगों ने संयुक्त परिवार का वो आनंद लिया है, तो जो उनकी कहानी कहने की कला है, दादी की या नानी की, वो आपको अभी तक याद होगी। कितने बच्चे ऐसे हैं, ज़रा हाथ उठाएंगे, जो जिन्होंने दादी और नानी से कहानियाँ सुनी हैं? काफ़ी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो कहानियाँ अभी तक याद हैं? काफी काफी लोगों को याद है। जो कहानी कहने की कला उनके पास होती थी, चाहे वो अनपढ़ थी, चाहे वो स्कूल नहीं गई थी,
उनको पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन आपके उस बाल मन के मनोविज्ञान को वो अच्छी तरह समझती थी और वो आपको कहानी सुनाती थी। कैसे? एक मिनट के लिए आप आंख बंद करिए और मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी शायद आपके दिमाग में कैसे वो पर्दे पर आती है। जैसे मैं छोटा था, बच्चा था, और मैं अपनी दादी से कहानी अगर सुनता था तो वो कुछ इस तरह से शुरुआत करती। एक राजा था। अब जैसे ही वो कहती थी कि एक राजा था, तो आपके दिमाग में एक पगड़ी, एक मूछ वाला व्यक्तित्व, बड़ा चमकदार ड्रेस और कुछ इस तरह की तलवार अलवार हाथ में लिए कोई चित्र उभरता है। एक राजा था, मतलब आप आंख बंद करे हुए तो आपको एक वो राजा काल्पनिक चित्र खड़ा हो जाता है। वो घोड़े पर बैठकर जा रहा था, तो एक एक तुरंत आपकी कल्पना में एक घोड़ा खड़ा हो जाता है और वो राजा उस पर बैठा हुआ नजर आता है। तो इस तरह से उनकी कहानी की शुरुआत होती थी, यानी उनके शब्दों में इतनी ताकत होती थी, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन उनको इस बात का पता होता था कि वो कैसे आपको अपने ढंग से आपको बांध के रख सकती हैं। बच्चों को बांधना बहुत कठिन काम होता है, उनको आप 5 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आप 5-7 मिनट तो आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद फिर वो कोई ना कोई दूसरा सवाल पे चले जाएंगे। मान लीजिए अब आप लोगों ने पता नहीं गांव का जीवन दिखा है नहीं देखा है, बचपन में ऐसे होता था कि आंगन होता था, आंगन में गर्मियों में आप लेटते थे और लेटते हुए आपके आसमान पर आपको चांद दिखता था, तारे दिखते थे, और उसमें फिर कोई चरखा काटती चांद के अंदर बुढ़िया दिखती थी और वो तारे दिखते थे और वो कोई घूमते घाव उनके मूवमेंट दिखते थे। तो कई बार अगर वो दादी नानी से कहानी सुनते सुनते वो तारा कहाँ जा रहा है, बच्चा भटकता था, वो देखो बादल कैसे, बादल के अंदर भी घोड़ा है। तो बच्चों को बांधना बड़ा कठिन होता है। इसी तरह हमारे पर्दे पर दर्शक को बांधना बहुत कठिन होता है। 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे या 3 घंटे की फिल्म बांधना बहुत कठिन होता है। तो अगर आपको वो दादी नानी की कला याद है, अगर उनको कहानी का जो वो कहानी जिस भाषा में जिस अंदाज से बयान करती थी, अगर वो कौशल और वो हुनर आपको आता है, तो आप पर्दे पर भी फिल्म बड़ी अच्छी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात होती है आप किस तरह के शब्दों के जरिए वो ताना बाना बुनते हैं जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाता है। शब्द आपको सीधे आपको उस किरदार से जोड़ते हैं। चित्र तो बाद में आता है, लेकिन पहले आपका जो कहानी है, जो किरदार है, उस किरदार की जो जबान है, वो जो उसको कहता है, वो उसके बारे में जो वो हुनर जो है वो सबसे पहले आपके सामने आएगा, उसको प्रकट किया जाएगा पर्दे पर। तो वो चुनौती बाद में आएगी, पहले मैं भाषा की बात करता हूं। आप लोगों ने प्रेमचंद का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सभी ने। अच्छा, पढ़ा कितने लोगों ने? पढ़ा कम लोगों ने है, थोड़ा सा है? मैं आपको बताऊं, अगर आप टेलीविजन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप रेडियो पर अपना कैरियर बनाना, आजकल तो एफएम रेडियोस बहुत खुल गए, तो रेडियो में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप एक बार प्रेमचंद को पढ़ लीजिए। प्रेमचंद का निधन 1936 में हुआ, मतलब आप ये मान के चलिए करीब करीब 80 साल हो गए, 80 साल के आसपास। तो 80 साल पहले जिस भाषा में उन्होंने लिखा, जो हिंदुस्तानी जबान थी उस समय की, प्रेमचंद की कहानी आज आप पढ़ेंगे, चाहे आप गांव में रहने वाले हों, चाहे आप कस्बे में रहने वाले हों, चाहे आप शहर में रहने वाले हों, आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे और आपके दिमाग में वही दादी नानी वाला चित्र खड़ा हो जाएगा। तो ये हुनर
मैं देखता हूं और भी कई लेखक हैं, मैं अभी जिक्र करूंगा, लेकिन मैं पहला लेखक प्रेमचंद को मानता हूं कि वो जो लिखते थे वो जब आप पढ़ते थे तो आपकी कल्पना में वो चित्र खड़ा होता था, चाहे वो भाई साहब वाली कहानी हो, चाहे वो रामलीला वाली कहानी हो, चाहे वो गुल्ली डंडा वाली कहानी हो, या उनके बड़े उपन्यास हो, निर्मला हो, सेवा सदन हो, गोदान हो, कफन हो, गबन हो, कोई भी हो। और कौन सी कहानी आप लोगों को याद है, कोई एक बता सकता है? कोई कहानी याद है प्रेमचंद जी की? कौन सी? दो बैलों की कथा। ये बहुत बड़ी, बहुत लोगों में नहीं होती ये कला। तो ये तीन नाम मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि इन तीनों का दृश्य माध्यम से ऐसा रिश्ता रहा है, जो आप उनको पढ़ेंगे और चित्र आपके दिमाग में खड़े हो जाएंगे। शरद जोशी ने सीरियल्स की शुरुआत की हिंदुस्तान में बिना प्रशिक्षण के। अच्छा, रेणु का एक और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर नाथ रेणु जब उस समय जब ऑल इंडिया रेडियो था और भारत में 1959 में 59 में टेलीविजन का सफर शुरू हुआ, तो टेलीविजन और उसके कुछ साल के बाद तीसरी कसम फिल्म आई, जब वो फिल्म हिट होने लगी तो परमेश्वर नाथ रेणु को टेलीविजन ने बुलाया कि आप हमारे प्रोफेशनल्स को बताइए कि स्क्रिप्ट और पटकथा कैसे लिखी जाती है पर्दे की, जिसने कहीं प्रशिक्षण हासिल नहीं किया, कहीं नहीं लिया था। तो इसका अर्थ यह है कि जो आप पर्दे पर रचते हैं, जो आप कलम के जरिए रचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके भाव बहुत मायने रखते हैं, जिनको आप शब्दों के जरिए प्रकट करते हैं। दूसरी चीज, अब आप जो बात कर रहे हैं बायोपिक, अपने पूर्वजों के बारे में फिल्में बनाने की, अपने पूर्वजों के बारे में चित्रण करने की, हम लोग ना आदत से बहुत भुलक्कड़, छोटी छोटी चीजें भूल जाते। आप में से जैसे मैंने अभी संयुक्त परिवार का जिक्र किया था, कई लोगों के पूर्वज ऐसे होंगे, आप किसी ने अपने दादा को देखा होगा, किसी ने दादा के पिता को भी देखा होगा। मैंने तो अपने दादा के दादा को भी देखा है, मैंने अपनी नानी की माँ को भी देखा, ठीक है। लेकिन आप अगर याद करें, आपकी माँ अपने बचपन की बातें बताती होंगी, नानी की बात बताती होंगी, नानी की बात बताती होंगी, वो जो पूर्वजों की कहानी है सुनाई जाती है, हम उन पूर्वजों को भूल जाते हैं। और अफसोस, मुझे थोड़ा सा तकलीफ है ये बात कहते हुए कि जो हमारे हिंदुस्तान में समाज जिस तरह से हमने रचना की है, उसमें माफ कीजिए, हमने अपने पूर्वजों को, जो अपने अपने क्षेत्र के इतने हुनरमंद लोग रहे हैं, उनको याद रखने का कोई बहुत बड़ा सिलसिला शुरू नहीं किया है। बायोपिक बनाने का सिलसिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। अब परदेश की कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा अरसा हो जाएगा, मैं फिल्मों से आते हुए टेलीविजन पे आता हूँ। ब्रीफ में आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ पिछले 50 साल जो मेरी, मैंने अभी जो तकलीफ आपको बताई, वही तकलीफ कुछ फिल्मकारों के मन में भी थी, और उन फिल्मकारों ने अब तक 210 या 12 के आसपास फिल्में ऐसी बनाई हैं जिनको आप बायोपिक की श्रेणी में रख सकेंगे, 210 के आसपास, और करीब करीब 75 साल हो गए जब से सिलसिला शुरू हुआ था। भारत में जो भले ही वो मूक फिल्म, आप लोगों ने पहली फिल्म याद है कौन सी? आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, हरिश्चंद तारामती, हरिश्चंद पर जो फिल्म थी। अब हरिश तो जो शुरुआती दौर था वो इस देश में फिल्म इंडस्ट्री अपने कदम जमा रही थी, और फिल्म उस समय बहुत महंगा व्यवसाय था, तो जो बनाने वाले थे वो 100% गारंटी चाहते थे कि ये फिल्म चले। तो फिक्शन में अगर मैं कोई प्रेम कथा लिखता हूं तो उस पे बनाने की तो मैं एक बार नहीं 10 बार सोचूंगा कि वो प्रेम कथा जो किसी दर्शक को पता ही नहीं, आप लोगों को नहीं पता है, उसको सिनेमा घर में देखने के लिए कोई क्यों आएगा।
लेकिन अगर मैं कहूं कि भगवान राम की कहानी देखने आप आइए, रामायण अगर तो सब लोगों को पता है, सबको सारी जानकारी है, तो ज्यादातर लोग आएंगे। तो हरिश्चंद्र की कहानी उस दौर में इसलिए फिल्म आई गई कि हरिश्चंद्र के नाम पर दर्शक आएंगे, कहानी बिक जाएगी। तो आप देखते हैं कि जब भारत में बायोपिक फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो शुरुआती उस दौर में धार्मिक फिल्मों की कतार हुई थी। क्यों? कि वो किरदार हमारे समाज में रचे बसे थे। हरिश्चंद्र पे बनी फिल्म, कालिदास पे बनी, तुलसीदास, सूरदास, नरसी भगत, मीराबाई, कुछ ऐतिहासिक किरदार थे, भीम, कृष्ण, तो फिर रामायण के किरदारों पर बनी फिल्में हैं, रामायण पर बना है, महाभारत से बना है। तो ये कि वो कामयाबी की गारंटी थी। और माहौल उस समय ऐसा था कि धार्मिक फिल्मों के नाम पर बच्चों का भी टिकट होता था। मुझे याद है मेरे बचपन में फिल्में देखने के लिए मनाही थी हम लोगों को। फिल्म मैंने अपनी पहली फिल्म जो देखी थी वो अपनी माँ के साथ देखी थी और वो थी भक्त प्रहलाद, क्योंकि दूसरी फिल्म में हमें देखने के लिए अनुमति नहीं थी। तो धार्मिक फिल्मों का एक फायदा उस दौर के फिल्म निर्माता ये जानते थे कि अगर इस तरह की बायोपिक आएंगी तो घर घर से बच्चे भी निकल के आएंगे और बच्चों को भी दिखाने के लिए माँ बाप ले जाएंगे, यानी सफलता की गारंटी, बिकने की गारंटी वो एक ये तो होती है ना कि हाउसफुल हो। तो 50 और 55 के दशक तक आप ये समझिए कि धार्मिक फिल्में खूब चली। इसके बाद दूसरी श्रेणी जो आती है वो आती है देशभक्ति पूर्ण फिल्मों की। तब लोगों ने, जब भारत आजाद हो गया और जोखिम उठाना शुरू कर दिया कि भाई थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, अब लोग ताजी हवा का मौका ले रहे हैं, ताजी हवा में सांस ले रहे हैं आजादी के, तो फिल्म बनी। भगत सिंह शहीद आई थी मनोज कुमार की, अगर आप लोगों ने पुरानी वाली देखी है 60s में है? और माफ कीजिए भगत सिंह पर तो 5 फिल्में आई हैं, लेकिन जो पहली फिल्म थी भगत सिंह पर, वो शहीद जो थी, वो मुझे अब तक की देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म लगती है। लेकिन मेरी एक शिकायत थी, सरदार भगत सिंह हम लोगों के जहन में, आप लोग नौजवान हैं, हम लोग भी जब नौजवान थे और हमारे जो चाचा लोग और पिताजी वगैरह जब थे नौजवान, तब से आज तक ऐसा सदाबहार नाम है कि जिसका नाम सुनते ही हम लोग एकदम हमारी संवेदनाएं जाग जाती हैं। आज भी वो किरदार ऐसा है, लेकिन अफसोस ये है, मैं आगे आऊंगा अभी इस बात पे, कि जो शहीद बनी थी वो भगत सिंह की कहानी का आधा भी नहीं। भगत सिंह क्रांतिकारी तो बाद में थे, भगत सिंह मूलतः पत्रकार थे, ओरिजिनली वो 100% जर्नलिस्ट थे, मीडिया के थे, तो वो मैं भी बताऊंगा अभी आपको। तो भगत सिंह पर फिल्म बनी, 5 फिल्में अब तक बन गई। सुभाष चंद्र बोस पर एक फिल्म बनी, पहले भी बनी, नई भी बनी, श्यामे निगल ने बाद में बनाई है, पहले भी एक बनी। एक बनी थी वी शांताराम ने, एक फिल्म बनाई थी डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, आजादी से 10 साल पहले की बात है। उस समय जापान, जो बहुत छोटा सा देश है, उसने चीन पे हमला कर दिया, और जब चीन पे हमला किया तो उस समय देश आजाद नहीं था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने, और जवाहरलाल नेहरू उनके सचिव थे महासचिव। तो चीन ने भारत से मदद मांगी कि भाई जापान ने हमला कर दिया और हमारे लोग घायल हो रहे हैं, हमें कुछ डॉक्टर चाहिए, हमें कुछ मदद चाहिए, अगर आप भेज सकें। तो भारत से 2 एम्बुलेंस, 5 डॉक्टर और कुछ कैश वैश और दवाइयां जो था वो सब भेजी गई, और उन लोग डॉक्टरों ने रात दिन एक किया। उनमें से कोई एक या दो डॉक्टर तो लौट के आ गए, एक दो की डेथ हो गई। डॉक्टर कोटनीस जो थे उनमें से एक डॉक्टर थे जो वहीं रह गए और उन्होंने वहीं शादी की, उनके परिवार के लोग आज भी मुंबई में रहते हैं। तो वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई थी डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, किस तरह से
उन्होंने चीन में घायल युद्ध बंदियों की सेवा की, उनको ठीक किया, और आज भी चीन में कभी आप लोग जाएं और देखेंगे कि उनके नाम पर सड़क है, उनके नाम पर पार्क है, उनके नाम पर और भी कुछ संस्थाएं हैं, और चीन के लोग बहुत इज्जत करते हैं डॉक्टर कोटनीस का। 50 के दशक में डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी फिल्म बनाने का जोखिम उठाया था वी शांताराम ने, और इसलिए फिल्म चली भी नहीं, जाहिर सी बात है, और तब इसलिए कि लोगों को पता ही नहीं था उनके बारे में। और संदर्भ के तौर पर बता दूं कि अभी 11 साल 12 साल पहले एक मंजुनाथ नाम की एक फिल्म आई थी, उसका तो आपको पता होना चाहिए मेरा ख्याल है, सुना है किसी ने? IIM लखनऊ का शायद एक छात्र था जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी, उस पर एक फिल्म बनी थी, अगर मुझे ठीक याद है तो संदीप वर्मा शायद ऐसा नाम था कुछ उनका जो बनाया था, 3 करोड़ की लागत थी और उसकी वो उससे कमाई हुई सिर्फ 30 लाख रुपए, मतलब 10% पैसा उसका लागत का निकला। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो उस समय जो मानसिकता थी पौराणिक किरदारों पर चरित्रों पर फिल्म बनाने की, बायोपिक बनाने की, वो आज भी संकट का सबब है। आज भी हर आदमी सोच नहीं सकता कि ये फिल्म चलेगी। हम अपना उदाहरण बताते हैं, राज्यसभा टेलीविजन ने इसी साल 2 महीने पहले 27 जून को मुंबई में हमने एक फिल्म, पहली बार फिल्म बनाई किसी चैनल ने, वो फिल्म थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आजाद हिंद फौज थी उसके 3 सेनानी थे, उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, और वो फिल्म बनी थी रागदेश, उसमें एक नाम था कर्नल ढिल्लन का, एक था पी के सहगल का, और एक था मुस्लिम नाम था, मैं अभी भूल रहा, याद आ जाएगा, शाहनवाज खान। तो इन 3 पर मुकदमा चला, और उस समय देश में इतना बवाल था अंग्रेजों के खिलाफ, इतना गुस्सा था माहौल में कि अगर वो नहीं छोड़े जाते तो शायद अंग्रेजों को बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ता। हमने भी वो फिल्म बनाई, 2 करोड़ लगे, पार्लियामेंट ने उस फिल्म को पैसा दिया, लेकिन करीब करीब 1.5 महीना होने को आए, 1.5-2 करोड़ रुपए लौट के आए हैं अभी तक। तो लेकिन हमारा तो चलिए ये है कि हमारा इरादा ही ये था कि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से कितने अध्याय ऐसे हैं जो हमारे कॉमन मैन को नहीं पता। तो पैट्रियोटिक फिल्म्स जब बनी तो लक्ष्मीबाई भी बनी एक फिल्म में, फिर उसके बाद चंद्रशेखर आजाद भी एक फिल्म बनी थी, और शिवाजी भी एक फिल्म बनी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर भी 10 में 1 आदमी तो ऐसा होता ही था जो बनाता था फिल्में बायोपिक। उसके बाद एक दौर आया जब कुछ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चरित्रों पर फिल्में बनी। अब जोखिम चूंकि चलने का होता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कहानी के साथ तोड़ मरोड़ शुरू कर दी, कहानी में मसाला लगाना शुरू कर दिया, अनारकली, मुगले आजम, हातिम ताई, चंगेज खान, लाल किला, ऐसी फिल्में हैं जिनमें आप देखेंगे कि हमारे ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित फिल्में हैं, लेकिन उसमें कहानी का ताना बाना कुछ ऐसे बुना गया कि उसमें मूल कथानक जो ऐतिहासिक तथ्यों की जो चीज है वो काफी हद तक हाशिए पे चली गई, और मनोरंजन मुख्य हो गया, मनोरंजन प्रधान हो गया। क्यों? कम से कम लागत तो निकले। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप इतिहास के साथ छेड़खानी करके आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली नस्लें जो हैं अभी भी अनारकली और मुगले आजम की जो कहानी है वो पूरी 100% सही मान रही होंगी। आज भी हमारे बीच में आप लोगों ने किसी ने भी अकबर को तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने भी अकबर को नहीं देखा, लेकिन जब अकबर का नाम आता है तो वो कल्पना में पृथ्वीराज कपूर का ही चेहरा याद आता है। तो अगर हमारा एक काल्पनिक किरदार इस तरह से, अकबर एक चरित्र था लेकिन उसकी कहानी हम उसके इस तरह से याद करते हैं, तो फिर हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा
कि हम ऐतिहासिक कहानियों से, चरित्रों से खिलवाड़ ना करें, ये एक बड़ी बात होती है। दूसरी बात एक और है हमारे यहां, फिर मैं चलिए फिल्मों पे, ऐतिहासिक फिल्में होंगी, इसके बाद अभी जो ताजा दौर आया है स्पोर्ट्स पे, मैरी कॉम पर आई है, धोनी पर आई है, सचिन पर आई है, मिल्खा सिंह पर आई है, ये फिल्में कुछ चली हैं। फिल्में चलने का कारण दूसरा है, दंगल भी है, बिल्कुल ठीक, दंगल भी है, हाँ, तो उसका कारण ये है कि जब पुराने किरदारों पर फिल्में बनती थी उस समय फिल्म निर्माण बहुत महंगा था, आज की तारीख में फिल्म निर्माण थोड़ा सस्ता हो गया है, टेक्नोलॉजी भी सस्ती हो गई है, तो फिल्म टेलीविजन में जो फिल्म बनती उसकी एडिटिंग और फिल्म की भी एडिटिंग वो एक ही सॉफ्टवेयर में होती है। हाँ, कुछ विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए संगीत और लाइट के कुछ सॉफ्टवेयर अलग होते हैं जो फिल्मों में ही इस्तेमाल होते हैं, वो हम लोग टेलीविजन में यूज नहीं करते, लेकिन ये फिल्में चली। दूसरा, आप लोगों ने अभी जैसे मिल्खा सिंह जीवित हैं, अभी धोनी को आप देख ही रहे हैं खेलते हुए, सचिन को आप लोगों ने देखा है, मैरी कॉम को आपने देख रहे हैं, देखा है, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है कि जो मैं देख रहा हूं पर्दे पे वास्तव में उसकी कहानी कैसी है ना, तो ये जानने के लिए भी लोग, भीड़ उमड़ती है, दर्शक आते हैं, और ये चीज जो पहले के लोगों के साथ नहीं होती थी। तो अब सवाल ये है कि अब यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि बायोपिक के लिए किरदार का चुनाव कैसे करें। मैंने अभी ताजा फिल्म बनाई है मेजर ध्यानचंद पर, हॉकी के जादूगर कहते थे उनको, अफसोस ये कि उनकी जो मौत हुई, उनके अंतिम दिन जो गुजरे वो बड़े संघर्ष और गुमनामी में गुजरे, एम्स में एक जनरल वार्ड में उनको जमीन में लिटा दिया गया, और वो जिसको जिसको हिटलर ने कहा था कि तुम हमारे यहां आ जाओ तो हम तुमको जनरल बना देंगे सिपाही से, आज एक गोल से भी जीतना किसी टीम को हॉकी से मुश्किल होता है, लेकिन वो 10 से लेकर 20 गोल तक, अमेरिका को 24 गोल से हराया, तो 20 गोल, 15 गोल, 20 गोल, 18 गोल, 17 गोल, ये गोल इस तरह से उन जीवन में उन्होंने 500 से ज्यादा गोल किए। तो वो अभी मैंने एक ताजा फिल्म बनाई, वो मेजर ध्यानचंद पर है, उसमें आपको कई सारी चीजें देखने को भी मिलेंगी, उनके संघर्ष की दास्तान भी मिलेगी, YouTube पर उपलब्ध है। मैं कह रहा हूं कि जो जैसे अभी बायोपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि पहली चीज यह है कि जो किरदार है उसके बारे में रिसर्च, शोध जो हो, सबसे कठिन काम होता है। हमारी आदत है कि हम लोग हर चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जिसको नहीं देखा। अब ध्यानचंद की हॉकी को एक बार तोड़ के देखा गया कि उसके अंदर कहीं मैग्नेट तो नहीं लगा है। अब विज्ञान, तब तक चुंबक का आविष्कार हो चुका था, सब हम जानते हैं, फिजिक्स जो पढ़ने वाले जानते हैं कि लोहा चुंबक से आकर्षित, लकड़ी कैसे चुंबक से आकर्षित होगी, लेकिन तोड़ के देखी गई और इस कहानी को ऐसा प्रचलित कर दिया गया। हमें उसकी, जब हम सत्यापन करने के लिए निकले, जब हम प्रामाणिकता की खोज में निकले, तो ये जरूर हुआ कि हाँ, एक लकड़ी तोड़ी जरूर गई थी लेकिन चुंबक खोजना नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसको, अब पुराने, हमारी तो पुरानी आदत है ना, किसी ने पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी है, जब वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मोहम्मद गोरी की जो कहानी है, अब उसमें एक उनका जो मेरे ख्याल में चंद बरदाई था शायद ना, उनका जो पोएट था, वो लिखता है कि जब बदला लेने की नौबत आएगी, चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 800 साल 900 साल से हम लोग ये दोहा सुनते आ रहे हैं, संभव है ये? बिल्कुल संभव नहीं है। एक फिल्म आई थी तानसेन पर बनी थी, तानसेन के बारे में फिल्म में कहा गया भाई वो गाते थे तो दीपक राग तो दीपक जल जाते थे, मेघ मल्हार हुआ तो पानी बरसने लग जाता था, संभव ही नहीं है। लेकिन हम लोग जब तारीफ के पुल बांधते हैं तो फिर सारे
सोच को एक तरफ रख देते हैं कि ये व्यावहारिक तौर पर संभव है या नहीं है। एक और पौराणिक गाथाएं हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं, आल्हा उदल की कहानी सुनते थे। अब उसमें कहते थे कि 1600 हाथियों का बल था, संभव है किसी इंसान के लिए? 800 साल पहले कितनी पीढ़ियां निकली होंगी, हम ही लोगों की मेरा ख्याल है 20 पीढ़ियां मान लीजिए, 25 पीढ़ियां या 30 पीढ़ियां मान लीजिए, 1600 हाथियों का बल कैसे हो सकता है? तो हमारे यहां इतिहास में लेखन इतना खतरनाक हुआ है कि उसको पर्दे पर जब आपको उतारना हो तो सबसे पहले तो ये अतिरंजित ब्यौरा है वो आपको फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है, और तब आप रिसर्च की उस मूल लाइन पर जाते हैं कि जिस किरदार को आपने चुना है उसके लिए वास्तव में सच्चाई ये है। एक चीज, दूसरी चीज है फिर स्क्रिप्टिंग, उसकी कॉपी कैसे हो। आपने जिस किरदार को चुना है, कई बार ऐसा होता, धोनी तो आपके सामने मौजूद है, सचिन आपके सामने मौजूद है, मैरी कॉम आपके सामने मौजूद है, मिल्खा सिंह आपके सामने मौजूद है, लेकिन रेणु आपके सामने नहीं है, प्रेमचंद आपके सामने नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर आपके सामने नहीं है, किसी के फोटो अवेलेबल हैं तो किसी की फोटो भी नहीं मिलते, किसी की आवाज उपलब्ध है किसी की आवाज ही उपलब्ध नहीं है, किसी का वीडियो अवेलेबल है किसी का वीडियो है ही नहीं। तो जिसका वीडियो उपलब्ध नहीं है, जिसकी फोटो उपलब्ध नहीं है, जिसकी तस्वीरें उपलब्ध नहीं है, जिसके हैंडराइटिंग उपलब्ध नहीं है, उसको आप कैसे एक घंटे तक वो ड्रामा रचेंगे? आपकी उस स्क्रिप्ट में जान तभी पड़ती है, वो आपकी जो कॉपी होती है वो कॉपी इस बात के लिए बाध्य कर देती है कि लोग आंखें फाड़ के और देखते रहें। मैं अपने एक प्रोग्राम का उदाहरण आपको देता हूं, विरासत के नाम से जो कार्यक्रम होता है, पहले हम लोग 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लेते थे कि भाई लोग थोड़ा सा पानी वानी पीने जाना चाहेंगे, तो एक मिनट का ब्रेक देते, तो एक घंटे की फिल्म में दो बार ब्रेक, 20 मिनट पर और 40 मिनट पर। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब हमने फिल्म शुरू की तो कम से कम 5000 मेल ऐसे आए कि एक मिनट की भी जो आप रोकते हैं इससे हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये बाधा पहुंचती है, कृपया ये ब्रेक हटा दें। आज चैनलों की गाड़ी पटरी से क्यों उतरी हुई है? हर 5 मिनट का तो विज्ञापन का ब्रेक आता है और वक्त एक ब्रेक का। तो आपका जब कंसंट्रेशन बना हुआ है, आप एक कहानी में डूबना चाहते हैं, आप एक कहानी में रस लेना चाहते हैं, उस बायोपिक में आप डूबे हुए हैं, तो फिर वो ब्रेक आपके लिए खलनायक साबित होता है, आप लोग छूट चले जाते हैं। तो फिर मैंने सारे ब्रेक बंद कर दिए, एक घंटे की कहानी। अब फिर इसके बाद ये संदेश आया, ये मेरे ख्याल है दुनिया का अपने आप में, मुझे तो कहीं इस तरह का उदाहरण नहीं मिला, लेकिन कुछ किरदार ऐसे आए। अब रविंद्रनाथ टैगोर पर हमने एक 2 घंटे की फिल्म बनाई, मीना कुमारी पर हमने 2 घंटे की फिल्म बनाई, जगजीत सिंह जो गजल गायक है उन पर 5 घंटे की 5 फिल्में हैं, एक फिल्म बनाई, तो कम से कम मेरा ख्याल है 1600-1700 मेल आए और फोन तो अनगिनत आए। एक घंटे में मजा नहीं आया, इसके आगे और भी बताना चाहिए आपको, और भी बताना चाहिए आपको। ये फिल्म थी साहिर लुधियानवी पे, तो साहिर लुधियानवी की फिल्में आप देखिए, फिल्मी गीत आप देख लीजिए, लेकिन जो फिल्में हम जिस साहिर लुधियानवी को जानते हैं पर्दे पर जो उनके गाने आए हैं उनके जरिए जानते हैं, लेकिन साहिर लुधियानवी का संघर्ष कैसा था उसको कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। तो जब हमने उस संघर्ष को दिखाया पर्दे पर, तब लोगों के अच्छा आंखें खुली, ये साहिर लुधियानवी ऐसा भी था। साहिर लुधियानवी की मां अपने पिता की 11वीं बीवी थी, इस्लाम 3 शादियों की इजाजत देता है, लेकिन वो 11, तो जाहिर है उनको पत्नी का जो हक था वो दर्जा नहीं मिला हुआ था, तो उन्होंने अपने हक हासिल करने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया और कोर्ट में लड़के वो जीती, और उसमें साहिर ने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। इसके बाद साहिर की मां को अपने जेवर बेच के और गार्ड सुरक्षा में गार्ड तैनात करने पड़े, प्राइवेट गार्ड, ताकि वो अपने पिता से बचा सके, नहीं तो ये मार डालते। साहिर का नाम जो था कुछ और नाम था भी याद आएगा मुझे,
तो उनके पड़ोसी का नाम था, पड़ोसी के नाम पर उन साहिर का नाम बचपन में रखा गया, अब्दुल हई, अब्दुल हई नाम था। तो अब्दुल हई जो नाम था वो पड़ोसी से उनकी बनती नहीं थी, तो वो आंगन में साहिर को ले जाते थे, गालियां देते थे, अब्दुल हई उसकी पिटाई करते थे जूतों से ताकि वो पड़ोसी सुने। अब इसको बायोपिक पे पर्दे पर आप कैसे उतारेंगे, सॉरी आप उसको पर्दे पर कैसे बताएंगे, बड़ा मुश्किल है। तो किरदार ऐसे होते हैं कि आपको, लेकिन ये बताए बगैर आप रह नहीं सकते, आपको बताना पड़ेगा। यहां आपकी कॉपी का हुनर दाखिल होता है, यहां आपकी कॉपी का हुनर प्रभाव बताता है कि आप कैसे अपनी आवाज के जरिए, अपने शब्दों के जरिए वो कहानी कहें कि आपको, आपके सामने वो चीज आ जाए, लोग ये, लोग बोर भी ना हो और ये कहानी आपको मिल जाए। रविंद्रनाथ टैगोर, मैं इसलिए वो चुनौतियों की बात मैं आपको उदाहरण से बताता हूं इसलिए कि ताकि आपको पता लगे कि बायोपिक खड़ी करना कितना कठिन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी मां के माता पिता की 13वीं या 14वीं संतान थे और बचपन से हर बच्चे को एक एक कमरा और एक एक अपार्टमेंट मिला हुआ था, अटैच लटबात था उनका, राजा की तरह बचपन था। हर बच्चे के साथ एक एक नौकर था। आज हम लोग दिल्ली में, मुंबई में जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे घरों के बच्चे नौकरों के भरोसे पलते हैं, मियां बीवी दोनों दोनों काम कर रहे हैं, तो कई घंटे बच्चों पर नौकरों के संस्कारों का असर होता है। अब नौकर तो मालिक बनकर तो नहीं पाल सकता, मां बन के नहीं पाल सकता, पिता बन के नहीं पाल सकता, वो किस तरह से अपने संस्कार देता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी 80 साल के आसपास जब उम्र थी तब उन्होंने बयान किया। उन्होंने लिखा कि वो नौकर बड़ा, उसको नींद बहुत आती थी, जो जो नौकर की ड्यूटी इनके पास लगी हुई थी, तो वो क्या करता था कि उसने मुझे एक बार रामचरितमानस की कहानी सुनाई। आपने सुनी होगी पंचवटी में जब सीता जी होती हैं और वो एक लक्ष्मण जी जाते हैं राम की पुकार सुन के, तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और कि इसके बाहर अगर जाओगी तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर, वो नौकर ने ऐसे किया कि उसको सोना होता था, नींद बहुत आती थी, अंदर जाके सो जाता था, तो उधर आता था इधर खड़े हो जाओ, चौक से उसने एक गोला बनाया और कहा कि ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर निकलोगे तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। अब वो 6 साल का बच्चा जिसने वो कहानी सुनी हुई है, भयभीत बच्चा, सुबह से लेकर शाम तक वॉशरूम में नहीं जा पा रहा है, कभी कभी तो कपड़ों में ही कर देता है, क्या असर होगा उस पर। 80 साल की उम्र में भी अपने नौकर की उस क्रूरता का जिक्र उनको याद रहा उनको, और वो करते हैं कि भगवान कभी भी नौकर राज में किसी को ना पाले। अब ये अगर आपको चित्रण करना है कैसे करेंगे, पर्दे दो तरह से करते हैं। जब आपको बड़े पर्दे के लिए फिल्म बनानी है तो आप उसका जो करेंगे वो तो आप चलिए किरदार एक लेते हैं, एक्टर लेते हैं, पूरी तरीके से आप उसकी कहानी जो आप बताते हैं वो कहानी ऐसे होती है कि आप पटकथा लिखते हैं, ये रोल ये प्ले करेगा, ये रोल ये प्ले करेगा, स्पेशल इफेक्ट तो सब हो जाता है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्री है, अगर वो डॉक्यूड्रामा है तो कैसे करेंगे, वहां हमें दूसरा तरीका है, क्योंकि आप लगातार अगर डॉक्यूमेंट्री में रिक्रिएशन करेंगे तो वो नई बात बनेगी। रिक्रिएशन जो, रिक्रिएशन से शब्द से अर्थ समझते हैं आप लोग, रिक्रिएशन, आपने देखा होगा पर्दे पर कहीं लिखा रहता नाट्य रूपांतर। तो मैंने एक बच्चे को लिया, 6 साल के बच्चे को लिया, स्पॉट लाइट डाली, क्लोजअप में एक हाथ से चाक बनाई, उस बच्चे को खड़ा किया और नौकर के हाथ के, उससे ज्यादा नहीं, नौकर हाथ डांटते हुए और वो बच्चा सुन रहा है, इस तरह से रिक्रिएट किया अंधेरे में और वो इस तरह से उस उदाहरण को भरा। तो जहां आप शब्दों के जरिए कह सकते हैं वहां आप शब्दों के जरिए कहिए, जहां आप प्रतीकों के जरिए कह सकते हैं वहां प्रतीकों के जरिए कहिए, लेकिन जहां आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। एक और होता है, फिर मैं उसमें सूत्रधार की भूमिका में आता हूं, मैं उसमें कहानी कहने की के खुद अंदाज में आता, मैं देखता हूं कि ये हिस्सा ना मैं अपने वॉइस ओवर से पर्दे पर दिखा सकता हूं, ना मैं रिक्रिएट कर सकता हूं,
और अगर मैं रिक्रिएट करूंगा तो बड़ा नकली सा लगेगा, तो फिर मैं खुद एंकर बन जाता हूं, मतलब मैं खुद कहानी कहता हूं। फिर वो हिस्सा जिसके सपोर्ट में मेरे पास ना चित्र है, ना दृश्य है, ना आवाज है, ना वीडियो है, कुछ भी नहीं है, तो वो उस मैं खुद अपनी वो कहानी अपने एंकरिंग में कहता हूं। तो आपको कहानी कहने की कला खुद भी आनी चाहिए। आप अपने दर्शक को जितनी देर भी एक मिनट रहे आप पर्दे पे बांध लें। अब मीना कुमारी की कहानी है, मीना कुमारी बचपन से संघर्ष, बहुत संघर्ष गरीबी में बीता, और उस दौर के हिंदुस्तान में बचपन में सबको सब्जी रोटी या पूरी सब्जी उपलब्ध नहीं थी। जिस घर में वो पली उसमें भी कई बच्चे थे, 6-7 साल की उम्र से उसको बाल श्रम बाल मजदूरी करनी पड़ गई, फिल्मों में काम करना पड़ गया। तो उसकी माँ जो थी वो भी कहीं पेट पालने के लिए कहीं जाती थी, वो भी कलाकार थी, डांसर थी शायद, प्रभावती उनका नाम था, नहीं प्रभावती नहीं था, कुछ और था, प्रभावती उनकी नानी का नाम था। मीना कुमारी हिंदू थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई की बेटी की बेटी की बेटी थी, तो बहुत है ना, मीना कुमारी का नाम अजमी था। उनको बासी रोटियां और प्याज और नमक, बचपन से ये खाने की आदत थी। अब प्याज और नमक और बासी रोटियां, और वो कहती हैं एक बार जब कमाल अमरोही के साथ उनका झगड़ा होता है तो वो बयान करती हैं कि भाई मुझे तो इस घर में अब बासी रोटी तक नसीब नहीं है, मैं बचपन से मुझे प्याज और नमक और बासी रोटी अच्छी लगती है, हरी मिर्च अच्छी लगती है, और अब तुम्हारे घर में वो भी नहीं मिल रहा है, इसको आप कैसे लाएंगे। तो ये कहानी आपको कहने का हुनर पैदा करना पड़ेगा कि वो बासी रोटी आपके, मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितने लोगों ने बचपन में बासी रोटियां खाई हैं, है? मुझे तो आज भी वाकई में मुझे आज भी अच्छी लगती हैं, और लेकिन वो कहने का हुनर आपको आना चाहिए। तो टेलीविजन के साथ ये खास बात ये है कि जब आप ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, कालखंड के बारे में बताते हैं, तो आप अपने दिमाग को लगातार इस्तेमाल करिए तो आपको कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। अब जैसे हम सब लोग करप्शन से बहुत पीड़ित हैं, बहुत लोग करप्शन की बात करते हैं, मेरा ख्याल है हर आदमी करप्शन से दुखी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि करप्शन कभी नहीं था। मुंशी प्रेमचंद बताते हैं, मुंशी प्रेमचंद की दो शादियां हुई, उन्होंने एक जगह अपनी पहली शादी जो हुई वो उनकी सौतेली मां ने कराई थी, तो सौतेली मां ने जिस लड़की से कराई वो उनका विवरण देते हुए लिखते हैं कि मैंने जैसे ही देखा दिल धक से रह गया, मुझसे 1 फिट लंबी और वजन ऐसा कि तराजू में प्रेमचंद को बिठा दो तो एक तरफ 3 प्रेमचंद आ जाए, एक तरफ वो आ जाए। अब देखिए वो बयान कर रहे हैं अपनी पहली पत्नी का, और देखने में ठीक है कि बहुत सुंदर तो नहीं थी, एक आंख चेचक की वजह से जाती रही थी, रंग बेहद सांवला था, चेचक के निशान थे, और चलती तो ठीक थी, एक पांव लंगड़ाता था ये, और भी उन्होंने कुछ विवरण लिखा। और जब गुस्से में आती थी तो उसको जो है उसका मुकाबला करना कठिन हो जाता था, वो कहती थी कि मुझे बंगाल का काला जादू आता है और मुझसे झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हारे गले में बछड़ा बांधने वाला वो जो रस्सी बांध के ले जाऊंगी और अपने घर में बछड़ा बना के ले जाऊंगी और वहां बांध के रखूंगी। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट जिनको हम कहते हैं, वो अपनी पहली पत्नी के बारे में उन्होंने ऐसा ब्यौरा दिया, अब उसको आप कैसे दिखाएंगे बड़ी चुनौतियां होती हैं। गलत इसलिए नहीं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद खुद लिख रहे हैं, उन्होंने उनको छोड़ दिया, वो लंबी कहानी कभी अगली बार बताऊंगा आपको। तो एक और बात उनके करप्शन पे बात हो रही थी, कैसे हम प्रतीकात्मक तरीकों से चीजों को दिखाते हैं। दूसरी शादी हुई तो उन्होंने प्रेमचंद ने कहा कि अब हम जो है किसी विडो से करेंगे, विधवा से करेंगे, और पहली शादी तो विज्ञापन दिया और एक विधवा मिल भी गई, बाल विधवा थी तो वो आ गई, जिनका नाम था शिवरानी देवी, जो अभी कुछ साल मतलब हम लोगों ने तो देखा है उनको। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है महोबा, जहां के आलाउदल थे, तो महोबा में उनकी पोस्टिंग हुई और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। तो उन दिनों गवर्नमेंट व्हीकल मिलते थे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स राजा थे,
तो गवर्नमेंट व्हीकल क्या होते थे उस जमाने के, महोबा जैसे बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में, बैलगाड़ी और घोड़ा, ये गवर्नमेंट व्हीकल थे। अब वो पत्नी के साथ गए हैं और उनको लग रहा है कि इस पत्नी की इच्छाएं हैं, वो मेरे साथ घूमना चाहती है, मैं उसके साथ घूमना चाहता हूं, हनीमून के लिए जाएं तो कहां जाएं, उसमें वो चिंतित रहने लग गए। अगर मैं बैलगाड़ी यूज करता हूं तो ये करप्शन है, सरकारी गाड़ी का मिसयूज हो रहा है। आज तो सरकारी गाड़ियों पे अफसरों की बीवियां खूब, आप देखिए, सब्जी लेने तक जाती हैं, बच्चों को छोड़ने तक जाती हैं। लेकिन ये उस दौर में नैतिकता का आप एक, ये आप इसलिए कि जब आप किसी किरदार पर फिल्म बनाएं तो उसके चरित्र का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि कितना सच्चा किरदार था वो। तो वो कहते हैं कि कैसे घोड़े, घोड़ा पे भी अगर लेके जाता हूं तो भी ये सरकारी गवर्नमेंट व्हीकल का दुरुपयोग है, तो वो बड़े उदास रहने लगे। उनकी पत्नी ने एक बार पूछा कि बात क्या है और कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दो चार दिन बीते लेकिन ये उदास थे। तो फिर उन दोबारा शिवरानी जी ने पूछा, नहीं कोई बात तो है, आप छिपा रहे उनसे। नहीं नहीं कुछ बात नहीं, लाओ खाना परोसो, कुछ भी बात नहीं है। फिर कुछ बात, कुछ दिन चला, एक दिन उन्होंने कसम खाली कि आज तो मुझे, मैं कारण जान के रहूंगी कि वजह क्या है, क्यों आप उदास हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आज मैं खाने नहीं खाऊंगी, आप बताओ आज, ना आपको दूंगी ना मैं खुद खाऊंगी। उन्होंने कहा कि देखो, नहीं पहले उन्होंने कुछ सवाल किए, क्या बात है, कुछ मुझसे कोई शिकायत है, हम लोगों के रिश्तों में तुम्हें कोई शिकायत मिल रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई तीसरी आ गई है क्या? नहीं ये बात भी नहीं है। फिर क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है कि मेरे जीवन में कोई दूसरा आ गया है? नहीं ये बात भी नहीं। अब क्या बात है? उन्होंने कहा कि देखो शिवरानी, मैं जब से आया हूं मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा हूं। सुबह से जाता हूं दफ्तर में खटता हूं, शाम को लौटता हूं, खाना खाता हूं, सो जाता हूं। तुम शादी के आई हो, उम्र कम है, तुम्हारे भी अरमान है, मेरे भी अरमान है, कहीं हम साथ जाएं, घूमें फिरें, ऐश करें। तो उनका फिर उसने हिचक क्या है, क्या प्रॉब्लम, कौन रोकता है तुम्हें, छुट्टी ले लो दफ्तर से। तो कहा छुट्टी तो ले लूं लेकिन सवाल यह है कि जाएं कैसे, अपना वाहन होना चाहिए ना, सरकारी वाहन से कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कितने की बैलगाड़ी आएगी? तो उन्होंने कहा 32 रुपए की, 16 रुपए के बैल और 16 रुपए की बैलगाड़ी गाड़ी, बस इतनी सी बात। तो वो शिवरानी देवी अंदर गई, एक घड़ा उठा के लाई और उसमें सिक्के थे एक एक रुपए के चांदी के, और वो उन्होंने पलट दिए, उसमें 37 सिक्के निकले। 37 सिक्के निकले, प्रेमचंद लिखते हैं कि उसमें से 5 सिक्के हमारे बच गए। अगले ही दिन 32 रुपए की बैलगाड़ी आ गई, बैल भी आ गए, फिर हम लोगों ने खूब ऐश किए। अब देखिए इसको आप कैसे बायोपिक में लाएंगे, और फिक्शन में तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डॉक्यू ड्रामा है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री है, तो केवल कमेंट्री के जरिए इसको क्या दिखाएंगे? प्रेमचंद की फोटो दिखाएंगे आप? और ये पूरी जो दास्तान मैंने आपको सुनाई, जिसमें उनका वो नैतिक रूप भी शामिल है कि भ्रष्टाचार से लड़ने को लेकर के वो कितने संवेदनशील थे। तो ऐसी कहानियां हैं, ये एक एक उनमें से एक चुनौती है। तो ए, आप सीमित, बहुत ज्यादा नहीं, जो नाट्य रूपांतर जिसको कहते हैं वो नाट्य रूपांतर कर सकते हैं। बी, जहां आपको उस प्रसंग की तस्वीर मिल जाए। मान लीजिए शिवरानी देवी के कल्पना के दृश्य के, शिवरानी देवी एक घड़ा पलट रही हैं जिसमें से सिक्के निकल के हुए दिख रहे हैं, तब आप वो वॉइस ओवर में लाएं, तब वो कहानी आपकी ठीक हो जाती है। तो या तो चित्र हो आपके पास, चित्र भी नहीं है, वीडियो भी नहीं, कोई दोस्त ऐसा हो जिसने देखा हो कि हाँ मेरे सामने मिसेस प्रेमचंद ने जो है ये घड़ा पलटा था, और वो तो भाई किसी के जरिए भी तो आएगी ना बात कि हाँ ऐसे ऐसे डायलॉग हुआ था दोनों मियां बीवी में और ऐसे ऐसे हुआ था। तो कोई बताने के लिए कोई है नहीं, आज से ये बात है 1918 की या 1920 की, तो 100 साल पहले के हिंदुस्तान की जब कोई दस्तावेज आपके सामने उपलब्ध नहीं है,
तो फिर आपका जो एंकर है वहां एंकर की भूमिका बड़ी हो जाती है कि एंकर को अपने दर्शक को एक एक सेकंड बांध के रखना है और वो कुछ इस तरीके से उस दास्तान को पेश करे कि आपका दर्शक भाग ना पाए। तो ये जो मोटे तौर पर जो जिन चुनौतियों का मैंने जिक्र किया ये तो वो हैं। तीसरा है आइए पोस्ट प्रोडक्शन पे। अब आइए पोस्ट प्रोडक्शन पे। आपने किसी तरह से शूट भी कर लिया, कॉपी भी अच्छी हो गई, वॉइस ओवर भी अच्छा हो गया, आपने जितना मैक्सिमम शूट कर सकते थे वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब पोस्ट प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें, मान लीजिए कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर पर की ही बात करता हूं, अगर उन पर मुझे पर्दे पर दिखाने वाला एक अंतिम फाइनल प्रोडक्ट दिखाना है, सबसे बड़ी बात है स्क्रीन से आपके दर्शक का रिश्ता उस कालखंड से होना चाहिए। हम 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की का निधन हो गया, 1941 में उनका निधन हो गया, तो ये कहानी 1941 पर आकर खत्म हो गई। तो जो पर्दा आपका बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट जो हो है आपका, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान के उस कालखंड को प्रतिबिंबित करते हुए होना चाहिए। ठीक बात है। तो जो आपका कलर करेक्शन, जो कलर आपकी कलर थीम है, जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जो फोटो ट्रीटमेंट है, ये सब उसमें बहुत मायने रखता है। आप किस तरीके से, अब जैसे अभी मैं एक ताजा उदाहरण दूं कि अभी मैंने जगजीत सिंह पर 5 फिल्में बनाई। अब जगजीत तो जा चुके हैं हमारी दुनिया से, तो जगजीत इस दुनिया में नहीं है और जगजीत की गजलें हमें बतानी हैं। जगजीत उसमें हमने एक क्या किया, जितना भी दुनिया भर में उनके इंटरव्यूज बिखरे हुए थे, हमने उन बिखरे सारी कड़ियां समेटी। एक जगह जगजीत सिंह अपने बचपन की बात बता रहे हैं, एक जगह अपनी किशोरावस्था की बात बता रहे हैं, एक जगह अपनी जवानी की बात बता रहे हैं, एक जगह वो चित्रा सिंह से प्रेम प्रसंग की बात बता रहे हैं, एक जगह वो शादी की बात बता रहे हैं, एक जगह वो गजलों का सफर। तो जो मैंने जो रिसर्च की बात कही थी, जब आप फिल्मों का रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट्री का रिसर्च करते हैं, टेलीविजन का रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च का एक पार्ट ये भी होता है कि आपको वीडियो फॉर्मेट में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। तो मुझे ये चीजें मैंने इकट्ठे की और जब उसको पर्दे पर लाए, तो ये क्योंकि अगर मैं सामान्य तौर पर जिसको ये नहीं पता कि कौन जगजीत सिंह था, मैंने क्या किया, फिर उसको किनारे एक जैकेट बनाई और जैकेट में ब्लैक एंड व्हाइट जगजीत सिंह का एक फोटो लेते हुए और सिर्फ श्रद्धांजलि। तो कुछ प्रतीक ऐसे पर्दे पर रचे जाते हैं कि जिससे आपको उस कालखंड में पहुंचना होता है। ध्यानचंद के बारे में जब आगे कहानी आई कि वो बचपन में हॉकी के इतने दीवाने थे कि वो एक पेड़ की टहनी हॉकी के आकार की वो तोड़ते थे और चांदनी रात में अकेले प्रैक्टिस करते थे खेल मैदान पर। ये सुनने में बिल्कुल अटपटा सा लगता है। तो हमने भी जब ये रिक्रिएट किया तो हमें भी, फिर हमने एक बच्चे को गए तो एक हॉकी टेरी हॉकी तोड़वाई, उसके बाद उसको साफ सूफ करके उस पर एक बॉल से खेलते हुए, और जब कल जब एडिटिंग किया तब उसमें रात का इफेक्ट दिया चांदनी रात का। तो ये जो चीजें हैं आपको सपोर्ट करने वाली तो हो सकती हैं, समर्थन तो आपके कर सकती हैं, लेकिन सबसे मूल है आपकी स्क्रिप्ट। कॉपी कमजोर है तो आप कितना ही विजुअली स्ट्रांग आप बना दीजिए प्रोडक्ट, वो कभी भी उसका फायदा नहीं होगा, लोगों के दिल और दिमाग को झकझोरेगा नहीं, शब्द आपको झकझोरते हैं। एक और जो आखिरी में मैं बात कहूंगा वो है बजट का। हमारे देश में अभी भी बायोपिक फिल्मों का निर्माण या डॉक्यूमेंट्री का बजट लोगों को मुख्य टेलीविजन कवरेज से, मैं जब हम बात करते हैं तो उनके दिमाग में आता नहीं है। हम न्यूज चैनल खोलना चाहते हैं, हम बाबा चैनल खोलना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल खोलना चाहते हैं, लेकिन बायोपिक या डॉक्यूमेंट अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बजट हमारे पास बहुत, चैनल जो है, चैनल मैनेजमेंट जो होते हैं वो बहुत कम रखते हैं। हाँ, और हम लोग जैसे हम लोग राज्यसभा टेलीविजन की बात करूं तो पार्लियामेंट से नियंत्रित चैनल है, पार्लियामेंट हमको फंड देती है,
ये एक अच्छी बात है कि हमारे पास उस तरह का कोई दबाव नहीं है रेवेन्यू का, क्योंकि सारा फंड पार्लियामेंट करती है, तो हमारे पास फंड ठीक ठाक होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री के नाते उस बायोपिक के लिए बजट अलग से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो बजट एक चुनौती होती है। तो जब भी आप कोई शूट प्लान करें, जब भी आप उसका स्टोरी बोर्ड खड़ा करें, स्टोरी बोर्ड जानते होंगे मेरे ख्याल है आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो स्टोरी बोर्ड जब आप खड़ा करें, जब आप उसका शूट प्लान करें, तब उसमें आपको बजट हरदम बजट तलवार की तरह लटका रहता है, वो आपको ध्यान में रखना होता है कि बजट क्या है और आपके बजट के अंदर वो फिल्म बन जाए। ये आखिरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता था।